अभी मैं नहा करके आ गई हूँ और मैं भगवान जी की पूजा कर रही हूँ। वैसे तो सुबह पूजा हो जाती है, भाभी मम्मी लोग सब लोग कर ही लेती हैं, लेकिन वही होता है ना कि मैं भी फिर जब नहा करके आई तो वहीं पे अपना थोड़े बहुत ना भगवान जी की पूजा कर लेती हूँ अपनी वाली, जैसे जो भी होती है ना हल्की फुल्की। और मेन पूजा जो होती है ना वो सुबह ही हो जाती है, भाभी लोग जल्दी नहा लेती हैं। और मेरा तो ऐसा है ना कि मैं लेट में नहाती हूँ, क्योंकि अभी वैसे भी क्या है ना ऐसा मौसम हो रखा है कि कुछ समझ भी नहीं आता, गर्म पानी से नहाना नहीं होता और ठंडा पानी कब बच्चे को नुकसान कर जाए कुछ पता नहीं होता है। तो इस वजह से फिर मैं थोड़ा सा लेट नहाती हूँ, वही कभी 10:30 बजे कभी 11 बजे, ऐसे 10:30 और 11 के बीच में ही मैं रोज़ नहाती हूँ। सुबह बोलूँ या दोपहर बोलूँ 11:30 बज रहे हैं और जस्ट अभी मैंने नहाया हुआ है और नहा करके मैं ऊपर आई हुई हूँ। मैंने आज हेयर वॉश किया हुआ है और अभी ना मौसम ऐसा हो गया एकदम पतझड़ वाला। दिखाऊँ आपको हमारा जो केले का पेड़ है ना पूजा करने वाला, वो सूख करके उसकी क्या हालत हुई जा रही है। जितने भी ये एलोवेरा के प्लांट हैं इनको देखो कैसे सूख करके हुए जा रहे हैं। और ये सारे ना पेड़ पौधे आप लोग देख करके समझ सकते हो कि अभी एकदम ना गर्मी वाला और होता नहीं जो पतझड़ वाला मौसम होता है वैसे टाइप का आ गया है और बड़ा गंदा सा दिखने लगा है। जब मैं आई थी ना तो इतना सब कुछ हरा भरा सा दिखता था, चारों तरफ पेड़ फूल पौधे सब कुछ दिख रहे थे ना, तो बड़ा अच्छा लग रहा था। और अभी क्या है अभी चारों तरफ सूख ही गए हैं। दिखाऊँ आपको यहाँ के गेंदे के पेड़ जितने थे ना सारे के सारे सूख गए हैं और धूप इतनी ज़्यादा तेज चुभने लगी है ना कि मजा नहीं कि आप थोड़ी देर मतलब 10-15 मिनट भी रह लो, इतनी तेज़ धूप होने लगी है। तो चलते हैं अभी नीचे और नीचे जा कर के देखती हूँ, आज डोसा बन रहा है तो फिर डोसा खाएंगे। और काफ़ी टाइम हो गया मैंने कब से नहीं डोसा खाया, आई थिंक लास्ट टाइम जब मैं अपनी 9 मंथ की क्या करवाने गई थी, अल्ट्रासाउंड करवाने गई थी, तो हमने जो मद्रासी डोसा खाया हुआ था वो, तब से फिर मैंने डोसा नहीं खाया हुआ है। और आज बड़ा एक्साइटमेंट हो रहा है डोसा खाने का, मुझे डोसा पसंद है। साउथ इंडियन जितनी भी डिश है ना, चाहे पनीरम हो चाहे उत्तपम हो डोसा हो इडली हो, सब कुछ मुझे बहुत पसंद है। बहुत लाइट वेट रहता है और कम ऑयली रहता है, टेस्टी बहुत रहता है। तो साउथ इंडियन जितनी भी डिश है ना मुझे बहुत टेस्टी लगती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं। इसलिए ना किचन में जो मेरठ वाला किचन है ना वहाँ ज़्यादातर आपको मेरे किचन में साउथ इंडियन डिश दिख जाती होंगी, जैसे उत्तपम है या तो फिर ये अप्पे हैं और डोसा है इडली है, ये सब कुछ आपको बहुत देखने को मिलता होगा तो हमें अच्छा लगता है। तो चलते हैं अभी नीचे, हम लोग डोसा बना रहे हैं तो डोसा की सारी तैयारी हो गई है। आलू मैंने तल लिया है और अभी सांभर छौंकना है। तो ऐसे ही ना सब लोग मिल बांट करके कर लेते हैं, कोई कुछ कर लेता है। अगर कुछ ऐसे आइटम टाइप का बनाना होता है, आइटम ही बोलेंगे इसको, वैसे साउथ इंडियन में तो जैसे हमारे यहाँ दाल चावल है ना वैसे ही है ये, लेकिन हाँ हम लोग की साइड इडली बनाना हो या फिर डोसा बनाना हो तो फिर उसको ना आइटम वाली गिनती में डाल देते हैं। तो दाल भी पक गई यहाँ पर और अभी दाल को मैं छौंका लगाऊंगी, सांभर बनाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने प्याज टमाटर सब कुछ कट करके डाल दिया, जो भी जैसे डाला जाता है, और अभी मैंने दाल भी डाल दिया और लास्ट में मैं सांभर मसाला डाल रही हूँ। और इसका रेसिपी जैसे दिखाना कुछ है नहीं क्योंकि इडली सांभर मैंने अपने चैनल में ऑलरेडी इतनी बार दिखा रखा है ना कि अभी कुछ दिखाने का मतलब है नहीं। गाइस वैसे तो मैं अपने पूरे दिन की एक्टिविटीज़ को फुली इंजॉय करती हूँ, बट कभी कभी ये रूटीन मेरे लिए थकावटी होता है, ये मेरे स्किन के ग्लो को चुराने की कोशिश करता है। बट मेरे पास दो सीक्रेट इंग्रेडिएंट हैं जो मेरी स्किन के ग्लो को मेंटेन रखते हैं। यहाँ पर मैं दोनों प्रोडक्ट दिखा देती हूँ, ये है बेला वीटा ऑर्गेनिक सी ग्लो फेस वॉश और बेला वीटा ऑर्गेनिक सी ग्लो फेस जेल। फेस वॉश के लिए मैं यूज कर रही हूँ ये है बेला वीटा ऑर्गेनिक सी ग्लो फेस वॉश और इसे ऑल स्किन टाइप वाले यूज कर सकते हैं। ये फेस वॉश डर्ट एंड डेब्री को जेंटली क्लीन करता है और साथ ही साथ मेरी स्किन को नरिश करता है। तो मैं इसे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी देन फेस वॉश कर लूँगी। फेस वॉश मैंने कर लिया है और अभी इसके बाद मैं फॉलो करती हूँ बेला वीटा ऑर्गेनिक सी ग्लो जेल और ये नॉन स्टिकी है, आप लोग को देख करके ही समझ में आ रहा होगा। इसकी फ्रेग्रेंस की बात करूँ तो काफ़ी अच्छी है, मुझे काफ़ी पसंद आई। बेला वीटा ऑर्गेनिक सी ग्लो जेल आता है केसर हल्दी विटामिन सी और भी बहुत सारी चीज़ों के साथ, ये दोनों इंश्योर करते हैं कि मेरी स्किन हमेशा बेस्ट रहे। इन प्रोडक्ट्स का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया तो आप लोग मेरे लिंक के थ्रू जा करके इनको बाय कर सकते हो। और हाँ अगर आप लोग मेरा कूपन कोड प्राची 15 यूज करते हो तो आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा।
और यहाँ पर अब मैं दिखाऊँ गर्मा गर्म डोसा भी बनना तैयार हो गए हैं। तो डोसा बनाने में इतना दिक्कत नहीं होता जितना इसकी प्रिपरेशन करने में दिक्कत होता है, क्योंकि सांभर बनाओ, चटनी बनाओ, पहले इसकी दाल वाल चावल भिगो करके बैटर तैयार करो, तो ये सब में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। अगर ये सब कुछ हो जाता है ना तो फिर डोसा तो बहुत जल्दी जल्दी बनते जाते हैं। और मेरी थाली भी यहाँ पर लग गई है, तो आपको दिखाऊँ सांभर चटनी डोसा तीनों चीज़ें के रेडी हो गया है। और हम लोग ना आज सब लोग फर्श में बैठ करके खा रहे हैं, दिखाऊं इस तरह से। और इन दोनों को देखो सामान कितना फैला रखी है, इतना ज्यादा। और वो कुर्ता आपको दिखाऊं ना जो टेबल में रखा है, वो शादी से पहले का मेरा कुर्ता है। और इसको ये वाली जो है ना, इसको इतना अच्छा लगता है वो कुर्ता कि अभी भी उसको पहन करके ना ये खेलती है। जैसे बच्चों की आदत नहीं होती घर घर खेलने वाली, तो वही करते हैं। और मैंने ना थोड़ा सा तोड़ करके टेस्ट भी कर लिया था, तो दिखाऊं मैं अपना डोसा और चटनी। वैसे तो मैंने बैक कैमरे से भी शूट किया। और इनको देखो, चटनी कितनी भी बनी हो लेकिन खाना इनको टमाटो केचप से ही है, हर चीज़ ये टमाटो केचप से ही खाती है। और अभी खा लेते हैं हम लोग। इस रूम में मैं इसलिए खा रही हूँ ना कि ये रात भर एसी चलती है, तो रूम ज़्यादा ठंडा रहता है, और गरम गरम डोसा खाने से ना और गर्मी लगने लगती है। तो फिर यहीं पर हम लोग बैठ करके आराम से खा रहे हैं। लिपस्टिक किसकी लगाए? अभी मार पड़ेगी तुम लोगों को। देखो दोनों को, दोनों की दोनों लिपस्टिक लगा रखी है। और इसका दिखाऊं, ये सीढ़ियों से गिर गई है। और यहाँ पर ना पूरा इतना गोल गोल पूरा फूल आया था, अभी तो काफी हद तक ठीक हो गया है। अच्छा हाय कर लो। तो ये ना, ये बहुत कार्टून है। कार्टून मीन्स जब प्यार आएगा तो इसको बहुत प्यार आएगा, और जब गुस्सा आएगा ना तो इसको जो भयंकर गुस्सा आता है मेरे ऊपर भी गुस्सा हो जाती है। और फिर भाभी से कहेगी ना, मम्मा ये बुआ को समझा लो, ऐसे ऐसे गुस्सा करती है। बहुत टेस्टी है, सांभर बहुत अच्छा है, चटनी बहुत अच्छी है, डोसा बहुत अच्छा है, ओवरऑल पूरा का पूरा बहुत ही टेस्टी है। और काफी दिन बाद मैं खा रही हूँ ना, तो और भी ज्यादा अच्छा लग रहा है। तुमको सब कुछ पसंद है तो खाओ ना, टमाटो की चप क्यों चाट रही हो, खाओ उसको, खाओ डोसा खाओ, क्योंकि उसको। रात के 7:30 बज रहे हैं, और जस्ट अभी अभी मैं एक वीडियो शूट करके फ्री हुई हूँ। तो मैंने सोचा चलो मैं अपने वीडियो को जो मेरा बीच में रुका हुआ है उसको कंटिन्यू करती हूँ। और लाइट कहीं है कहीं नहीं है, अंधेरा अंधेरा सा हो रहा है। तो बाहर वाली जो लाइट है ना वो नहीं जल रही है, और यहाँ रोड वाली लाइट जल रही है, तो उसमें ठीक ठाक उजाला आ जा रहा है। और अभी ना मैं थोड़ी देर बाहर घूमने आई हूँ, क्योंकि ना अंदर रहो ना तो बहुत मूड अपसेट हो जाता है। सच बताऊँ मुझे, जब तक मैं बाहर नहीं निकलती, थोड़ी देर बाहर की देश दुनिया नहीं देखती ना, तो मेरा मूड फ्रेश नहीं होता। तो अभी मैं वीडियो शूट करके जस्ट फ्री हुई हूँ, तो मैंने सोचा चलो मैं बाहर थोड़ी देर घूम भी लेती हूँ और अपने वीडियो का भी एंड भी कर देती हूँ। भी कितनी बार भी मैंने बोल दिया। तो अभी ना मुझे प्यास भी लगी है, मेरा गला सूख रहा है, इस वजह से जुबान भी मेरी लिपट रही है। और बाहर कितना अच्छा लगता है दिखाऊँ आपको, रोड में यहाँ आप खड़े हो जाओ या फिर बैठ जाओ ना, तो पूरा का पूरा टाइम पास हो जाए। आप दो दो घंटे बैठे रहोगे ना फिर भी बोरिंग सा नहीं लगेगा, आपको बिल्कुल भी बोर नहीं होने वाले हो। यहाँ इतना अच्छा लगता है, इतना ज़्यादा चहल पहल रहती है ना, आपको दिखाऊँ। तो मेन रोड वाले घर के ना कुछ एडवांटेज होते हैं, कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। सच बताऊं रात में कई बार सोते टाइम ऐसा लगता है ना कि जैसे ट्रक घर के अंदर घुसे जा रहे हैं, ऐसे जैसे जब वो हॉर्न मारते हैं ट्रक, रात में पूरा एकदम सुनसान रहता है ना, तो लगेगा कि बस घर के अंदर ही घुसे आ रहे हैं। तो थोड़ा सा डिसएडवांटेज भी होता है, बट हाँ ये है कि आदत पड़ जाती है, फिर धीरे धीरे ना हैबिट में आ जाता है, यूज टू हो जाना होता है। तो अभी ना हम लोग को फ़र्क नहीं उतना पड़ता है, कितना भी रात में शोर शराबा हो गाड़ियों का, उतना फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अब मैं थोड़ी देर घूमती हूँ यहाँ और अपना मूड फ्रेश करती हूँ और अपने वीडियो का एंड करूँगी। तो अगर
मेरा ये छोटा सा वीडियो पसंद आया हो एक लाइक कर देना। वो कितना अच्छा लग रहा है ना रात में, दिन से ज़्यादा ऐसे रात में अच्छा लग रहा है मुझे। वीडियो बनाना भी और वीडियो देखने में भी मुझे ऐसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो चलो मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।